आज का वीडियो देखने के बाद आप बचे हुए चावल कभी नहीं फेंकेंगे। इतना आसान टेस्टी नाश्ता बनाने वाली है। यहाँ पर यह मैंने रात का बचा हुआ एक कटोरी चावल लिया है। तो पहले हम चावल को मैशर की सहायता से मैश करके लेंगे। हाँ, आप चाहे तो अभी अभी बनाया हुआ फ्रेश चावल भी ले सकते हो। ये देखिए, मैंने चावल को अच्छे से मैश करके लिया है। अभी इसके साथ जाएगा बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज और बारीक कटा हुआ एक छोटा टमाटर। यह है आधा कटोरी बारीक वाली सूजी। मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल ना करें। और साथ में डालिए चॉप की हुई दो हरी मिर्ची और 4 से 5 कड़ी पत्ते डालकर, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा नमक, चावल में भी नमक होता है तो थोड़ा हिसाब से डालकर 3 चम्मच दही डालना है। अब डालेंगे एक कटोरी सेपू यानी कि सवा की सब्जी। आप चाहे तो इसके बदले मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हमने जो प्याज टमाटर यूज़ किया है उनके अलावा आप कुछ और वेजिटेबल डालना चाहते हो तो वो भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन मिश्रण बनाने के लिए पानी का यूज ना करें। अगर ज़रूरत लगे तो ही और थोड़ा सा दही डालकर चम्मच से या फिर हाथ से मिलाते हुए इस तरह का मिश्रण बना के तैयार करें। हाँ, आप चाहे तो इसे रेस्ट दे सकते हो, अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा। अभी हाथ को थोड़ा पानी या तेल लगाकर नींबू जितना मिश्रण लेके बॉल बनाइए। तो इसी तरह सभी बॉल बनाकर तैयार करें। और बाद में गैस पर आप पे पैन चढ़ा के तेल या घी आप जो भी लगाना चाहते हो उसे लगाकर बनाए हुए बॉल को सभी खानों में रख कर हल्के हल्के प्रेस करते हुए अच्छे से सेट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल वैसा। तो इस समय फ्लेम को मीडियम टू स्लो करके 2 से 3 मिनट तक सेक लेना है। हाँ, इसे सेकने के लिए थोड़ा समय लगता है तो थोड़ा पेशेंस के साथ पकाइए। और जब नीचे से अच्छी तरह पक जाए तभी पलटे, नहीं तो पलटने में दिक्कत होगी। दोस्तों, ये जो हमने नाश्ता बनाया है इसे बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे। और ख़ास बात यह है कि घर में पड़े कम से कम चीज़ों में बनता है। तो इसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट तक सेक लेंगे। अभी चेक करते हैं कि ये नीचे से पका है कि नहीं। ये देखो आप, ये नीचे से भी सिक चुका है, यानी कि नाश्ता बनके तैयार है। इसे आप किसी मनपसंद चटनी के साथ या बिना किसी चटनी के भी खाएंगे तो टेस्टी ही लगेगा।